ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताना मारने में अपना अपना वक्त देते थे, वे लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में। मैं हूं सुनील कुमार। आज देखिए एसएससी सीजीएल में रामबाण साबित होने वाले आज महत्वपूर्ण पर्सन लेकर के आया हूं। आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा, श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल जब यहाँ से इतना दिया गया है तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ से मानेंगे क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि आयु का अनुपात लिखेंगे x। क्या किया है, मान लिया आयु का अनुपात x। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, एक के बाद डायरेक्ट प्रश्न अनुसार पर चलेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न से बात करेंगे डायरेक्ट, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन में देखिए क्या दिया गया है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3x। यहाँ क्या दिया गया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कहा गया था। आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। तो क्या करेंगे, 3x बट्टे क्या करेंगे, 5x। अब देखिए उसके बाद दोनों जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, यहाँ से दिया गया 7 वर्ष बाद, तो फिर क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद दोनों में क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद जोड़ेंगे। दोनों आयु में क्या किया, 7 वर्ष जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद आयु की उनकी अनुपात इतना हो जाएगा। तो देखिए 7 वर्ष बाद क्या होगा आयु का अनुपात, तो 4:5 हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, 4/5। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको इससे गुणा करेंगे बारी बारी से, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इतना लिखेंगे 5 × लिखेंगे 3x+7 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस कर रहे हैं, तो 4 × क्या लिखेंगे, 5x+7। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे बारी बारी से गुणा करेंगे, 5 × 15x+ क्या करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, 7/35 बराबर। देखिए यहाँ से लिखेंगे 4×5 क्या होगा, 20x। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 728। अब देखें यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल एक जाति वाला को एक साथ रखेंगे, तो 15x अब माइनस क्या करेंगे, इधर 20 प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में 20x। अब देखें यहाँ से क्या करेंगे, इसको 28 को रहने देंगे, इधर देखिए 35 प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में 35। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 5x बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से -7। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, राम का हो गया 3 और श्याम का क्या हो गया, 5। दोनों को क्या माने थे, आयु का अनुपात को x मान लिए थे, तो राम का हो गया 7। देखिए यहाँ से राम का आयु का अनुपात हो गया 3x मान लिए थे, श्याम का क्या माने थे, 5x। तो 5x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 वर्ष किस ऑप्शन में दिया गया, श्याम का कहा था, श्याम का निकल गया। 7 वर्ष किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर दिया गया बी में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, यह वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।